तो मेरे में ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई जो सामान्य इंसान में नहीं, जो नहीं कर सकता है, कि किसी को कोई जादू टोना आता हो या कोई मुझे कोई वैसा कोई, तो ये सब चीजें कोई भी कर सकता है अगर कुछ अच्छा ऐसा है दिख रहा है तो। और एक उम्मीद ये बनती है कि मेरी तारीफ उतनी नहीं हो जितनी आप लोगों की हो, या आप लोग वैसा कुछ करें, क्योंकि तभी ये अभियान चल पाएगा। मुख्य बात वो नहीं है, और कुछ सब्जेक्ट नहीं है, और कुछ बातें नहीं है। इस अभियान को चलने चलाने के लिए और इसको मंतव्य को पूरा करने के लिए बहुत सारे साथी ऐसे हैं भी, सही, ऐसा नहीं कि नहीं है। और आप लोग इतनी मेहनत करते हैं फील्ड में, इतना सब कुछ करते हैं, जिसकी वजह से ये श्रेय काफी कुछ मुझे मिल जाता है। इसके लिए तो दोबारा मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पर ऐसा कुछ करें ऐसा आज मेरी मांग है कि लोग मुझे भूल जाए और आप लोगों का जिक्र करने लग जाए। ये मेरी जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा इस अभियान की जरूरत है। हमें इस देश को बदलना है। ऐसा होगा, मुझे विश्वास भी है, ऐसी मेरी ख्वाहिश भी है, ऐसी इस अभियान की जरूरत भी है। न्यूट्री चार्ज के जो तौर तरीके होते हैं वो बेमिसाल होते हैं। न्यूट्री चार्ज ने जब से हमारा जुड़ाव है तब से ऐसी अनेक चीजें की है जो उस लेवल तक मैं कभी नहीं सोच पाया। उससे बहुत बहुत ऊपर जाके उन्होंने सोचा और उन्होंने किया। तो एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि कोई भी इंसान किसी सीमा तक नहीं सोचने के लिए मजबूर है, वो कितना भी सोच सकता है। और आज पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे परिवार है, डायरेक्ट सेलर्स का परिवार है, उन सभी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि न्यूट्री चार्ज आरसीएम से कई गुना बढ़कर सोच सकता है। 11 वीरांगनाएं इस देश की समस्त महिलाओं को एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत हो सकती है। तो यानी इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग कुछ भी कर सकते, ये परम सत्य आज दिख रहा है। कोई सीमा नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सोच की बात है। बहुत सारी बातें आज मैं सुन रहा हूँ, बहुत भावुक भी हो रहा हूं, और थोड़े से कुछ ऐसा भी लग रहा है कि यार ये मेरे लिए इतनी बातें करते हैं, तो ऐसा उसको उसमें से मैं करूंगी सही, ऐसा भी एक भाव आता है। थोड़ी तो मेरे जो परिवार वाले लोग कह रहे हैं उनकी बातें सत्य तो कहलाए इतिहास में, ऐसा तो नहीं कि लोग तो ये कहते थे वाकई में तो कुछ और ही था। तो डेफिनेटली उस जिम्मेदारी का एक याद आती है। पर ये सब बातें सुनते सुनते मेरा पता नहीं क्या नेचर है कि मैं जब भी आरसीएम की चर्चा में बैठता हूँ, सुनता हूँ, तो मेरी सोच फ्यूचर में चली जाती है, फ्यूचर तक विचार चले जाते हैं। आज भले ही हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो वाइब्रेशंस महसूस हो रही कि पूरा देश, पूरा आरसीएम परिवार आज बहुत उत्साहित है, बहुत मोटिवेटेड है, बहुत प्रेरित है, बहुत कुछ करने का जुनून पैदा हो रहा है। पर यहाँ पे मैं एक वाक्य, एक सीख जिसको बोलेंगे, वो वाली बात मैं कहना चाहूंगा, और प्लीज सभी नोट करें अपनी डायरी में या अपने कहीं भी।
कि हमें मोटिवेट होने के लिए, हमें प्रेरित होने के लिए किसी माध्यम की जरूरत क्यों होती है, वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब कभी हम किसी लेवल तक मोटिवेट होते हैं तो वापस उससे नीचे क्यों चले जाते हैं, उससे नीचे कभी नहीं जाना चाहिए। तीसरा, मोटिवेट हमें कोई करे तो हम मोटिवेट होए, कोई नहीं करे तो हम मोटिवेट नहीं होए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आज 11 वीरांगनाओं को हमने देखा, उन्होंने काम उस समय किया जब कोई वीडियो उनको नहीं दिखाया गया, कोई ऐसा कोई उनको बहुत बड़ा सपना नहीं दिया गया, उनको जस्ट ये जो भी किया गया न्यूट्रीचार्ट ने बाद में विदाउट कोई एनी अनाउंसमेंट, उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक जो ड्रॉ वगैरह भी जो भी निकालना था, एक जस्ट एक थॉट आया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया और वो सही हो बस जो भी बनना था बन गया। पर उनको ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया, कोई ऐसा नहीं किया कहा गया, जस्ट अपनी स्वप्रेरणा से। 11 महिलाएं कर सकती है तो मेरे को ऐसा लगता है, और मेरा विचार यहाँ तक पहुंचता है कि अगर इस देश में 40 करोड़ महिलाएं मिलने से आइडिया ऐसा ही मान लेता हूँ कि 18 साल से ऊपर की 40 करोड़ महिलाएं, कोई एग्जैक्ट फिगर क्या होगा उससे मतलब नहीं है, तो 40 करोड़ महिलाओं में से 20 करोड़ महिलाएं वीरांगना बन सकती है। एक थॉट तो मेरे मन में ये आया, क्योंकि वो जो भी थी कोई ऐसा नहीं कि कोई उसको कोई न्यूट्रीचार्ट बेचने का कोई 10 साल का कोर्स करके आई हो कि कोई कोई बहुत बड़ी डिग्री या कोई बहुत बड़ा कोई टैलेंट का ऐसा कुछ हो, बहुत सामान्य, क्योंकि मेरी बातचीत इस मामले में होती रहती है, मुझे पता है वो सारी जानकारी। तो 20 करोड़ महिलाएं ऐसा कुछ कर सकती है, तो व्हाट इज द डिफरेंस, ये एक सोचने का विषय है कि क्या कारण है। तो हमें उन विषयों पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और अभी मैंने सोच लिया है अक्टूबर से ये वीर और वीरांगनाएं बनाने में मैं पर्सनली काफी इंटरेस्ट लेने वाला हूं। ये मत समझ लेना कि वो कोई लोभी लालची प्रवृत्ति की महिलाएं है इसलिए वो बेच पाई, कुछ और है भीतर, और वो जो कुछ और है उस पे काफी रिसर्च तो मैंने की है और हम सब मिलके वो रिसर्च करेंगे, और जो वो होता है ना, जो ऐसा करवा पाता है उसको हम प्रतिस्थापित करने का प्रयास करेंगे। ऐसे बहुत सारे वीर और वीरांगनाएं हमें खड़े करने हैं, पर वो एजुकेशन वाली बात है कि वो लोग नहीं कर पाएंगे जो किसी की वीडियो दिखाया तो मूड बन गया, फिर वीडियो देखे हुए महीना भर हो गया तो हाँ उस समय था, वो लोग नहीं कर सकते जिंदगी में बहुत ज्यादा। सीखने के बारे में अगर हम सोचें तो सीखना उतना नहीं चाहिए जितना सिखाया जाता है, सीखना उतना चाहिए जो सिखाया जाता से 10 गुना। ये सब आप रिसर्च करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कौन लोग ज्यादा कर लेते हैं, आपको पता लगेगा कि इसको बताया तो इतना ही था, ये पता नहीं कहां कहां से नॉलेज इकट्ठी करके लिया है। तो हम कई बार देखते हैं कि हम बार बार सिखाए जा रहे हैं पर वो सीखने वाले, तो मैं किसी से नाराज बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन एज ए गार्जियन, क्योंकि आपने मुझे वो अधिकार दे दिया है कि मैं एक गार्जियन समझता हूँ, मेरा परिवार है ये, और परिवार से एक्सपेक्टेशन होती है, अपने बच्चों से हमें उम्मीदें होती है कुछ, कि मेरा बच्चा अच्छा हो, मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, विजेता हो, उसमें हर गुण हो, तो एक गार्जियन बार बार वो याद दिलाता रहता है कि ये गुण आप में होना चाहिए,
ये थोड़ी सी कमी रही थी। तो क्या कोई पिता जब अपने बच्चे को ऐसे कहता तो नाराज होता है? अब उसका कहने का लहजा कैसा भी हो सकता है, उसके शब्द कैसे भी हो सकते हैं। तो जैसा कि महावीर जी कह रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि मेरे मन में महावीर जी या कोई भी को लेकर कोई जरा सा भी कोई इब्बत कोई मन में है। आज भी हम बड़ी मस्ती से मिलते हैं, बात करते हैं, तो ये सब चलता रहता है कोई। पर मुझे कभी कभी बहुत अफसोस भी होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है कि आप बहुत प्रेम और विनम्रता से बात करो, पर जब अभियान की बात आती है और जब आजादी की बात आती है तो वहां ये समझना आता है कि कमांडर को अपने सैनिकों से कैसे बात करनी चाहिए। तो मुझे उसको बैलेंस बनाने में बड़ी दिक्कतें जरूर आती है कभी कभी, पर मैं सभी से अगर कुछ भी कभी मेरा लहजा ठीक नहीं रहा हो या कोई, उसके लिए तो मैं डेफिनेटली क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहूंगा। लेकिन मुझे शिकायत किसी से नहीं है, ये मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ। सभी से उतना ही प्रेम है, चाहे वीरांगना है तो भी उतना ही प्रेम है, और कोई डायमंड क्लब भी नहीं करता तो भी उतना ही प्रेम है। प्रेम में कोई अंतर नहीं होगा, पर जो डायमंड क्लब नहीं करता उसको तो कहेंगे तो सही नहीं, डायमंड क्लब तो कम से कम करो। तो ये कहना अलग चीज है। तो आज क्योंकि हमें एक भविष्य का निर्माण करना है, आप सबका मूड भी बन चुका है, तो दो तीन आज कुछ पॉइंट ले लेंगे। हमें प्रेरित हमेशा रहे, कोई करे या नहीं करे, जब कोई प्रेरित नहीं हो तब प्रेरित हो, तब प्रेरित होने का मजा है। जब दूसरे प्रेरित करे और हम थोड़ी देर के लिए प्रेरित होते हैं हो जाए, तो उसमें कोई प्रेरित वो कोई काम आने वाला नहीं है, वो तो पानी के बुलबुले हैं, जब हवा आती तो उठ जाते हैं, और हवा उससे कुछ जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला नहीं है। आज कुछ इतने सारे मिले तो एक माहौल चेंज हुआ तो कुछ अच्छा लग रहा है, कल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा 5 दिन बाद, तो उससे तो कुछ जिंदगी में कुछ ज्यादा हासिल होने वाला नहीं है एवरी टाइम। और आपकी जो मोटिवेशन का जो कारण, न कोई वीडियो होना चाहिए न कोई दूसरा होना चाहिए, मोटिवेशन का कारण हमेशा मैं बार बार एक ही बात कहता रहता हूँ कि हमें जिंदगी मिली है तो राष्ट्र के लिए जिए। वो क्यों कहता हूँ, वो बहुत कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मैं इररिलेवेंट बात कर जाता हूँ, सब्जेक्ट से बाहर जाके बोलता हूँ, लेकिन मेरा एक अनुभव ये बोलता है कि जो राष्ट्र के लिए करता है, मैं गारंटी करता हूँ, अगर दिल से कोई सोच के देख लो फिर उसके बाद बोल देना कभी किसी को मोटिवेशन की आपको जिंदगी में जरूरत रहेगी क्या, कभी नहीं रहेगी। कभी कोई आपको चाहिए नहीं कि कोई दूसरा आपको कोई प्रेरित करे। आपकी विचार शक्ति बढ़ेगी, आपकी सोच की, आपकी जितनी भी जो आपका डर है वो सारा खत्म होगा, आपका सीखने की प्रवृत्ति सब कुछ बदलेगा। इसलिए कहता हूँ जिंदगी में अधिकतम ही जब परमात्मा देता तो अधिकतम लेना चाहिए, कम क्यों लेना चाहिए, कम क्यों ले। तो हमेशा प्रेरित रहे, प्रेरित प्रेरणा का जो स्रोत है वो भीतर रखें, बाहर से नहीं, भीतर से प्रेरणा होनी चाहिए। सीखना हमेशा जितना सीखने को बाहर से मिलता है उससे डबल हमेशा सीखना चाहिए, और कमिटमेंट खुद से होना चाहिए। इस तरह की कुछ बातें लेकर हम आगे बढ़े।